खबरों में बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर थाना विजयनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीमा गुप्ता गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ सर, गाजियाबाद पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि उन्होंने अपने मुखबिर की सूचना पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 1 किलो 300 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। सीमा, पुलिस कब से इन तस्करों की तलाश में थी? क्या पहले भी इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से? जी सर, ऐसा कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस को किसी मुखबिर ने सूचित किया था कि एक ग्रे कलर की स्कूटी पर दो लोग हीरोइन लेकर आ रहे हैं, तो पुलिस ने उसके ऊपर जाल बिछाया और जाल के अंदर उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। सीमा, इतनी भारी मात्रा में हीरोइन कहां से लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे, और कौन लोग हैं इनके पीछे जो नशे का काला कारोबार करवा रहे हैं? इस सब के बारे में अभी तक पुलिस को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, और पुलिस सारी छानबीन में जुटी हुई है कि इतनी तादाद में हीरोइन कहां से आ रही थी और कहां पर भेजी जा रही थी। शुक्रिया सीमा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।